आकाशिक रिकॉर्ड। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि सर हम लोग हमारे पूर्व जन्म के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। बहुत से लोगों को जब हम लोग ट्रीट करते हैं, जब हील करते हैं, तो वो हमको सारी सच्चाई नहीं बताते हैं कि जिनके जीवन में क्या घटित हुआ था। आकाशिक रिकॉर्ड तब काम आता है जब कोई पूर्व जन्म की घटनाएं हमको देखनी होती है, या फिर इस जन्म की कुछ घटनाएं जिसको इलाज के माध्यम से हम लोग अगर देखा जाए, उनको किसी के ऊपर इलाज करना है तो क्या घटित हुआ था और किस कारणवश उनके जीवन में उनके कर्मा के कारण जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम से वो आए हैं, वो देखने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आत्मा का साक्षात्कार बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड में हम लोग एक जानकारी प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य और उसके उपचार के लिए भी, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी घटना घटित हुई थी जिसके कारणवश आज उनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी तकलीफें सामने आई हैं, हो सकता है कोई कर्मा उन्होंने खराब किया हो और उसके कारणवश उनको अभी आज तकलीफ है, हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड उस जगह पर, उस सिचुएशन पर, उस साल में जाकर उस रिकॉर्ड को बदलने का काम कर सकते हैं। देखिए ये सारी जो घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं पर रिकॉर्ड हो चुकी है, इस ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो चुकी है। आपको थोड़ा सा शास्त्र के थोड़ा सा ऊपर जाकर, अपने माइंड के थोड़ा सा ऊपर जाकर अगर आप सोचोगे, तो अगर आपने सोचा कि एक साल पहले क्या घटित हुआ था, थोड़ा सा अगर आपने जोर दिया दिमाग में, तो वो सारी घटनाएं एक एक करके आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी, उभरनी शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है, कहीं पर उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है और उस रिकॉर्डिंग को जानने का तरीका आकाशिक रिकॉर्ड, आकाशिक हीलिंग में कह सकते हैं, आकाशिक कोर्स में कह सकते हैं। इसके अलावा आपने आध्यात्मिक विकास के लिए भी आकाशिक रिकॉर्ड का एक उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो आपको मार्गदर्शन चाहिए, जैसे अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसे गुरु को मिलूं, लेकिन वो अभी उनका अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है, वो उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूं, जैसे मान लीजिए मुझे ओशो को फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोचूंगा कि चलो जाऊं मैं ओशो को एक हद प्रवचन में चले जाऊं जो उन्होंने किया था। आप यकीन नहीं करोगे कि अगर आकाशिक रिकॉर्डिंग में अगर आप चले जाओ तो आकाशिक रिकॉर्डिंग के जरिए आप उस साल में, उस दिन में, उस जगह पर जाकर पहुंच सकते हो। आपको वहां पर आवाजें सुनाई देती हैं, आपको वहां पर क्या घटित हो रहा है वो सुनाई देता है, किस तरह से उस दिन क्या घटित हुआ था, क्या उन्होंने कहा था, वो सब कुछ वहां पर आपको दिखाई देना, सुनाई देना, आपको 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 वो चांस जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। आप किसी भी साल में जा सकते हो, किसी भी मंथ में जा सकते हो, किसी भी दिन भी जा सकते हो, वहां पर जाकर अपनी आकाशिक रिकॉर्ड में आप उसमें परिवर्तन भी कर सकते हो और वहां पर जाकर आप रहकर भी आ सकते हो। व्यक्ति का स्वयं परिचय भी बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड में है। मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्यों इस धरती पर हूं, इसका बेसिकली अगर ज्ञान अगर चाहिए होता है तो आकाशिक रिकॉर्ड में मिलता है। बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अगर आप अध्ययन करोगे तो आप जानोगे कि आकाशिक रिकॉर्ड एक बेसिकली यू नो एक ट्रिगर है अपने माइंड और अपने उस दुनिया के साथ में, हम दोनों के बीच में, मेरे और उस दुनिया के बीच में कुछ ऐसा एक ट्रिगर है। उस ट्रिगर को अगर आप पकड़ पाओगे तो आप आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंच जाओगे। कोर्स अगर सीखना है तो नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कीजिए, बहुत अच्छा कोर्स है, सबने अगर सीखा तो आप अपने आप में परिवर्तन कर पाओगे, आप जो भी घटनाएं घटित हो चुकी है उसको आप देख पाओगे, सुन पाओगे, उस पर बदलाव करोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य में आपको परिवर्तन मिलना शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में। मैं शिरीष काकड़े, वीनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटी ट्रस्ट के साथ में। धन्यवाद।